नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवीपी रिव्यूज पे। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्प्ले टेस्ट करने जा रहा हूँ वन प्लस नॉर्ड वर्सेस के 20 प्रो इन दोनों फोन की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेड कलर का जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसे प्रेस कर लीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए इनकी डिस्प्ले टेस्ट जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वन प्लस नॉर्ड यहाँ पे के 20 प्रो, पहले आपको दोनों के स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं दोनों में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो जो डिस्प्ले है हमारी वन प्लस नॉर्ड में, हमें मिलती है फ्लूइड एमोलेड 90 हर्ट्स HDR 10 प्लस 6.44 इंच, 86.7 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 1080x2400 पिक्सल्स, और जो है PPI डेंसिटी है 408 है पर पिक्सल, और गोरिल्ला ग्लास जो है आपको 5 का प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। और वैसे ही हम जो यहाँ पे K20 Pro में देखें तो हमें मिलता है सुपर एमोलेड HDR 10 6.39 इंचेस का डिस्प्ले विद 86.1 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 1080x2340 पिक्सल्स और 403 PPI पर इंच, और जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से 5 मिलता है। तो जो स्पेक्स वाइज है एक मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे जो हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसकी वजह से जो है जो रेड है, जो ब्लू है, ग्रीन है, थोड़े वाइब्रेंट और डीप दिखेंगे आपको K20 Pro में, लेकिन वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। लेकिन अगर आप नीट पिकिंग हो, आप एकदम गौर से जो अपने डिस्प्ले को देखते हो, कलर्स को देखते हो, तो आपको जो है डेफिनेटली दोनों में फ़र्क दिख जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर रेड भी दिखाऊँ तो आप देख लोगे कि यहाँ पर जो सुपर एमोलेड का रेड है वो थोड़ा ज़्यादा रेड आपको दिखने में मिलेगा, और जो वार्मनेस है सुपर एमोलेड में ज़्यादा होती है कंपेयर टू एमोलेड डिस्प्लेज। मैं जो आपको इन दोनों की सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ कि मैंने इन दोनों को जो है किस सेटिंग्स में जो है रखा है टेस्ट करने से पहले। तो पहले तो आपको ब्राइटनेस दिखाता हूँ दोनों का, दोनों का ब्राइटनेस जो है फुल है आप जैसे कि देख सकते हो। फिर जो हम इनकी डिस्प्ले सेटिंग एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा नॉर्ड और यहाँ पे हमारा K20 Pro। तो इसकी जो डिस्प्ले सेटिंग्स है कुछ यहाँ पे कलर स्कीम में, और इसकी जो है यहाँ पे एडवांस में जाके जो है स्क्रीन कैलिब्रेशन में, तो इसका जो विविड है और इसका जो है सैचुरेटेड है, और इसमें जो वाइट बैलेंस जो है जो कोल्ड वार्म का रहता है एकदम डिफॉल्ट है, जैसे कि सेम जो आपको इसमें देखने मिलेगा जो कि है डिफॉल्ट में। तो जो है दोनों में जो सेटिंग्स है वो भी एकदम एग्जैक्ट है, दोनों की सेटिंग्स में भी कोई फ़र्क किया नहीं गया है। तो अभी जो है झट से जो हम वीडियो देखना शुरू कर देते हैं दोनों में। तो जो पहले मैं ये जो है ये वाली वीडियो जो है प्ले करूँगा दोनों फ़ोन में, और देखेंगे हम कि दोनों में से जो किस में जो है हमें कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और बाकी सारी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे देखने मिलती है। तो यहाँ पे हमारा वन प्लस नॉर्ड है और यहाँ पे जो हमारा K20 Pro है, तो आप देख सकते हैं कलर्स किस तरह से दोनों में कंपेयर करें तो पर्पल हो गया, ग्रीन हो गया ये वाला, यहाँ पे रेड है, तो आप साइड बाय साइड देख सकते हैं कि किस तरह से जो कलर्स आपको इनमें देखने मिलते हैं। यहाँ पे ग्रीन है, मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है मुझे थोड़े कलर्स जो है K20 Pro में जो है थोड़े हल्के से सैचुरेटेड लग रहे हैं कंपेयर टू वन प्लस नॉर्ड, देख सकते हो। कलर कॉन्ट्रास्ट जो आपको K20 Pro में है थोड़ा ज्यादा दिखने मिलेगा कंपेयर टू वन प्लस नॉर्ड, और ये जो है डिफॉल्ट सेटिंग्स पे है, अगर आप नॉर्ड में थोड़ा वार्मनेस है बढ़ा दे और इसे जो है डिस्प्ले P3 पे डाल दे तो इसका भी थोड़ा सेचुरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन सेम अगर आप K20 Pro में करोगे तो उसका सेचुरेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एट द एंड जो है सुपर एमोलेड जो आपको ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स दिखाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये पर्पल भी जो है, ये रेड वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑरेंज देख सकते हो, ब्लू देख सकते हो, आप पॉज करके ये सारे जो पार्ट देख सकते हो। ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप अगर एकदम गौर से डिस्प्ले को देखते हो, कलर्स को देखते हो, तो आपको ईजिली जो है नोटिस हो जाएगा। आप थोड़ा एंगल पे दिखाता हूँ मैं, इस एंगल पे देख लीजिए, आप व्यूइंग एंगल्स देख लीजिए दोनों के, किस तरह से जो है कलर्स आपको दिखाते हैं फुल ब्राइटनेस पे।
हम इसमें जो और एक वीडियो प्ले कर लेंगे, अब इसमें जो है ये वाला वीडियो प्ले कर लेते हैं। दोनों को जो सेम मिनट्स में जो मैं प्ले करा देता हूँ, हमारा जो नॉड है थोड़ा आगे चला गया, तो इसे मैं पॉज करता हूँ। 1:06 तक जो है K20 Pro को लाके जो है नॉड पे भी जो है मैं वीडियो रिज्यूम कर देता हूँ, तो आपको कलर जो है साइड बाय साइड जो है पता चलेंगे ज़्यादा अच्छे से। इसमें भी अगर आप कंट्रास्ट देखोगे तो जो अपने K20 Pro में है आपको थोड़ा जो है ज़्यादा कंट्रास्ट जो है देखने मिलेगा। दोनों को मैं सेम इमेज पे लाके रख देता हूँ, अभी देख सकते हैं कंट्रास्ट लेवल। अगर आप दोनों फ़ोन में देखोगे इसमें जो बहुत सारे कलर्स आपको देखने मिलेंगे, तो जो कॉन्ट्रास्ट है आप रेड्स देख लो यहाँ पे, ब्लू देख लो बीच में, और जो ग्रीन है ऊपर की तरफ, तो आपको तीनों भी जो कलर्स है कॉन्ट्रास्ट वाइज जो है ज़्यादा वाइब्रेंट विविड जो है K20 Pro में दिखेंगे, जैसे कि उसमें आपको सुपर एमोलेड देखने मिलता है। इसमें जो आप मुझे ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस जो समझ आ रहा है कलर्स में, अगर आप देखो तो आप, मैं आपको अलग अलग व्यूइंग एंगल्स पर भी दिखा देता हूँ, तो जो आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स जो है K20 Pro में जो डेफिनेटली देखने मिलते हैं, आप कोई भी एंगल में देख लो। तो यही जो मेजर डिफरेंस आपको देखने मिलेगा सुपर एमोलेड और नॉर्मल एमोलेड डिस्प्लेस में। इसे कर देता हूँ मैं रिज्यूम। अब ये वाला भी रेड देख लीजिए आप यहाँ पे, ब्लू देख लीजिए या फिर ग्रीन देख लीजिए, जो आपको K20 Pro में ही जो है ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेगा। क्लैरिटी वाइज जो है दोनों डिस्प्ले ऑलमोस्ट जो है 400 pixels per inch के साथ आते हैं, तो आपको जो है क्लैरिटी में कुछ बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, लेकिन कलर्स में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। स्क्रीन साइज में भी डिफरेंस है, वन प्लस नॉर्ड में जो आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलती है, लेकिन K20 Pro में आपको नॉचलेस डिस्प्ले मिलती है, वो इसकी एडवांटेज है। देख सकते हैं इस रेड में भी, इसमें रेड ज़्यादा दिख रहा है आपको K20 Pro में। ग्रीन देख लीजिए आप, और एक वीडियो जो हम प्ले करते हैं इनमें, एक फाइनल वीडियो प्ले करेंगे दोनों फोन्स में। आपको एक बार RGB टेस्ट करा देता हूँ दोनों फोन की, मतलब रेड ग्रीन ब्लूज येलोज कैसे किस तरह से आपको दोनों फोन में देखने मिलते हैं वो एक बार जो हम देख लेते हैं दोनों फोन में, K20 Pro वर्सेस वन प्लस नॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे ये RGB वाले दोनों वीडियो, दोनों को मैं एक बार साथ में प्ले करने को ट्राई करता हूँ। ओके, तो दोनों ऑलमोस्ट जो है साथ ही में प्ले हुए हैं, ये इसमें आपको जो है ज़्यादा क्लियरली जो है डिफरेंस दिखेगा दोनों फोन में। तो करते शुरू, आप देख सकते हो जो रेड है आपको ज़्यादा ब्राइट दिखेगा K20 Pro में, और ज़्यादा वाइब्रेंट भी दिखेगा K20 Pro में। ग्रीन जो है, ग्रीन भी सेम ही है, आप देख सकते हो, मैं पॉज करता हूँ चाहिए तो, आप देख सकते हो ग्रीन जो है सेम आपको वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा जो आपको ग्रीन उतना वाइब्रेंट नहीं दिखेगा, उतना डीप ग्रीन नहीं दिखेगा जितना आपको K20 Pro में दिखता है। मैं एंगल्स एक बार आपको दिखा देता हूँ, एंगल्स भी चेंज कर लो आप, तो ज़्यादा फ़र्क दोनों में आपको नहीं दिखेगा। व्यूइंग एंगल्स जो ऑलमोस्ट दोनों के बराबरी कहूँगा मैं, ऐसा नहीं है कि वन प्लस नॉट में व्यूइंग एंगल्स सही नहीं है, लेकिन जो कलर, जो विविडनेस है कलर की,
वो जो आपको ज़्यादा अच्छी K20 Pro में देखने मिलेगी। फिर आप ये दूसरा कलर देख लीजिए, जैसे कि ब्लू है, ब्लू भी आप देख सकते हो, ज़्यादा डीप है, ज़्यादा विविड है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, ज़्यादातर सैमसंग के एमोलेड डिस्प्लेस में होता है, सुपर एमोलेड डिस्प्लेस में। ये ब्लू ऑलमोस्ट दोनों में सेम लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। फिर ये नेक्स्ट कलर है हमारा पर्पल, इसमें भी आप देख सकते हो डेफिनेटली जो K20 Pro है ज़्यादा ब्राइट पर्पल दिखा रहा है, ज़्यादा डीप पर्पल दिखा रहा है आपको कलर वाइज। और कलर्स मुझे जो है K20 Pro के ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, येलो आप देख सकते हो डेफिनेटली K20 Pro में जो है ज़्यादा येलो दिख रहा है। लेकिन अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है थोड़े बहुत, और आपको ज़्यादा वाइब्रेंसी कलर में पसंद नहीं है, विविडनेस पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली नॉड जो आपको अच्छे कलर्स लेंगे नॉड में आपको देखने के लिए। ये ब्लैक कलर है और इसके बाद आएगा वाइट कलर, तो वाइट में भी आप देख सकते हो, वाइट में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा वार्मर टोन देखने मिलेगा और यहाँ पे आपको थोड़ा कूलर टोन देखने मिलेगा। तो इसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा डिस्प्ले जो है कलर दिखाने में जो है ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दूसरा डिस्प्ले। तो यही थी हमारी डिस्प्ले टेस्ट K20 Pro वर्सेस OnePlus Nord में। तो अगर आपको ये डिस्प्ले टेस्ट पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको कुछ भी सवाल हो K20 Pro वर्सेस OnePlus Nord के रिलेटेड, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसे प्रेस प्रेस कर लीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो हमारे ऐसे ही टेक रिलेटेड प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।